हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त जितेंद्र यादव। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है मसाज का टॉपिक। मसाज के बारे में आज आपको बताऊंगा कि अगर आप भी मसाज के बारे में तो आपने सुना ही होगा, अगर आप भी पहली बार मसाज कराने की सोच रहे हैं या मसाज कराने के लिए जा रहे हैं तो आपको ये बातें पता होना चाहिए जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए, वीडियो को पहला शुरू नंबर पर है। अगर आप मसाज कराते वक्त जब भी कहीं पर जाते हैं तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपके खाने में और मसाज में कम से कम 3 घंटे का आपका अंतर होना चाहिए। 2 या 3 घंटे का आपको अंतर होना चाहिए। आपने खाना खा लिया है तो उसके 2 घंटे बाद, या खाना मसाज कराने के 2 घंटे बाद आप खाना खा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, जो मसाज कराते वक्त हमें जो दूसरा ध्यान रखना है कि अब मसाज थेरेपिस्ट आप आ गए हैं, अब दूसरा है मसाज थेरेपिस्ट आपके पास एक्सपीरियंस मसाज थेरेपिस्ट होना चाहिए। और उसके बाद हमारा नंबर पड़ता है कि जहाँ मसाज करा रहे हैं वो एरिया कैसा है। तो आप ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आप खुले एरिया में मसाज ना कराएं, जहाँ एकदम बहुत तेज हवाएं चलती हों वहाँ पे मसाज ना कराएं। अगर आप सर्दी में मसाज करा रहे हैं तो आप धूप में करा लीजिए, जिसमें हल्की धूप भी हो और हवा इतनी तेज ना चल रही हो। गर्मियों में मसाज करा रहे हैं तो आप छाया वाले कमरे में या किसी भी कमरे में, बंद कमरे में मसाज कराएं। अगर उसमें हल्की फुल्की हवा आती है तो बहुत ही बेस्ट है। इसके बाद हम देखेंगे कि अब हमने एरिया भी चूज कर लिया, कि हमारे पास एरिया भी हो गया, हमने खाना भी निकाल रखा। जब भी मसाज करवाने जाएं, जब भी मसाज कराने के लिए जाएं, तो आप प्लीज नहा के जाएं, क्योंकि हम पसीने में हो जाते हैं। और पसीने के दौरान आप मसाज ना कराएं। मसाज कराने से पहले अगर आप नहा लेते हैं, गर्म पानी हो, गर्म पानी से नहा लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि गर्म पानी आपके शरीर का रोम छिद्र खोल देता है, जिसकी वजह से जो हम मसाज थेरेपिस्ट जो है वो जो भी ऑयल यूज करेगा वो आपके शरीर के अंदर समा जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि जब भी आप मसाज कराएं तो नहा के मसाज कराएं, तो बहुत ही बेस्ट है, पसीने में मसाज ना कराएं। तो फिर है वो है कि मसाज कराते वक्त काफी लोग बोलते हैं कि प्रेशर बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए। आप जैसा भी आपको लगे, आप भी बता दीजिए कि आपको प्रेशर ज़्यादा की जरूरत है या कम की। ये भी ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा प्रेशर हमारी मसल्स को तोड़ता है, इसलिए ज़्यादा अधिक अति से ज़्यादा प्रेशर ना लें, जितना सहन हो सके या फिर उससे बिल्कुल कम ही प्रेशर लें। क्योंकि देखिए, प्रेशर से आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मसाज थेरेपी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। प्रेशर आपके हिसाब से, अपने हिसाब से प्रेशर बताएं कि आपको ज़्यादा प्रेशर की जरूरत है या कम की। ये बेस्ट मसाज थेरेपी करने का एक तरीका है। अगर आपका प्रेशर ही ऊपर नीचे हो रखा है तो आपकी जो थेरेपी है वो पूरी खराब हो जाएगी। दूसरा जो चीज है वो है, आप अपना दिमाग को बिल्कुल शांत रखें। मसाज कराते वक्त ये ध्यान रखें कि जब भी आप मसाज करा रहे हैं तो आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, उस कमरे में कोई ना हो। अगर कोई है तो आप डिस्टर्ब ना करें, अपने फोन को एक साइड रख दें। जितना आपका दिमाग शांत रहेगा उतनी ही देर है मसाज के जो फायदे हैं वो ज्यादा मिल पाएंगे अपने, क्योंकि मसाज जो है वो दिमाग से ही जुड़ी हुई होती है। आप इसको कैसे, आप दिमाग कैसे लगाएंगे, जहां पे भी आपका थेरेपिस्ट काम कर रहा होता है, आप जब मान लीजिए थेरेपिस्ट आपके बैक पे मसाज कर रहा है, तो आप उसी एरिया पे ध्यान लगाइए जहां पे आपका थेरेपिस्ट उस वक्त मसाज कर रहा होता है। इससे आपको ज्यादा रिलैक्स आपको मिलता है। इसलिए अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखें मसाज कराते वक्त, ये ध्यान रखें। इससे जो अगला टॉपिक है वो है कि अगर आप बीमार हैं, अगर आपको बुखार हो रखा है या बीपी की कोई प्रॉब्लम है, तो बुखार में तो बिल्कुल भी आप मसाज ना कराएं। और अच्छा, एक थेरेपिस्ट जो है वो बुखार में मसाज बिल्कुल भी नहीं करता है, ये भी थेरेपिस्ट के ऊपर निर्भर करता है। और दूसरा, एक तो आपके लिए हो गया कि आप बुखार है, आपको आपका तापमान बढ़ा हुआ है, तो आप मसाज ना कराएं, आपके लिए यही बेहतर रहेगा। अगर आप बीपी की प्रॉब्लम है तो मसाज कराते वक्त मसाज थेरेपिस्ट को जरूर बता दें कि आपको बीपी की प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि उसी हिसाब से आपको प्रेशर और कहाँ से मसाज स्टार्ट करनी है वो थेरेपिस्ट को एक अच्छी तरह पता होता है। अगर आप नहीं बताएंगे, थेरेपिस्ट ने गलत जगह से मसाज स्टार्ट कर दी, तो आपका बीपी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसलिए बता दें, बेस्ट रहेगा अगर आप खुद बता दें कि उनको बीपी की प्रॉब्लम है, तो आपको मसाज थेरेपिस्ट आपके हिसाब से उसको कर लेगा। दूसरी जो बात है वो है, काफी लोग प्रेशर लेते हैं, जो हड्डियों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव लेते हैं, वो ऐसा ना करें, क्योंकि हड्डियों पे ज्यादा दबाव से आपकी मसाज का जो
स्वाद है वो तो खराब होगा ही, लेकिन आपके शरीर पे भी इसके साइड इफेक्ट पड़ते हैं। इसलिए कभी भी ध्यान रखिएगा कि हड्डियों पे कभी ज्यादा प्रेशर ना लें। और प्रेशर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आप पहले ही स्पा थेरेपिस्ट को बता दें कि आपको प्रेशर कैसा चाहिए। तो ये ही सावधानियां थी जो आप मसाज कराते वक्त आप ध्यान रखेंगे। और इनके बाद जो आता है वो है मसाज। एक तो थेरेपिस्ट का जो मेन रोल होता है इसमें, मसाज कराने वाले का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर मसाज कराने वाले का दिमाग ही शांत नहीं हुआ तो पूरी थेरेपी करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए, अपने दिमाग को शांत रखें, नहा धो के मसाज कराएं, शांत माहौल में मसाज कराएं, साफ सुथरे माहौल में मसाज कराएं। और इसके बाद जो ध्यान आता है वो है हमारा जो मसाज में यूज किया जाता है ऑयल। ऑयल भी आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किए जाते हैं। तो इसलिए आपको किस किस परेशानी के लिए आपको मसाज करानी है उसका आप विशेष ध्यान रखें। आपको पेन है तो उसके लिए अलग ऑयल होते हैं, आपकी बॉडी पे स्क्रैच है तो उसके लिए अलग ऑयल होते हैं, और अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके लिए एक अलग ऑयल होते हैं। तो ये मसाज थेरेपिस्ट को जरूर बता दें, तो उससे क्या है कि आपका जो मसाज कराने का जो एक्सपीरियंस है वो और भी बेहतर हो जाता है, अगर आप मसाज थेरेपिस्ट को जरूर बता दें। और तीसरा है, अगला जो पॉइंट है वो है कि कई लोग मसाज थेरेपिस्ट से बात करने लग जाते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि मसाज कराते वक्त कभी भी आप बात ना करें और अपने आप को एक रिलैक्स मोड में ले आए। रिलैक्स मोड बिल्कुल आप अपने आप को स्पा थेरेपिस्ट जो मसाज करने आया है उसी के ऊपर छोड़ दीजिए। आपको कुछ भी अपने बॉडी को टाइट मत कीजिए, अपना दिमाग यूज मत कीजिए, जो भी करना है वो अब मसाज थेरेपिस्ट करेगा। आप इससे क्या है कि आपका जो है मसाज कराने का जो एक्सपीरियंस है वो और भी बेहतर हो जाता है, क्योंकि देखिए मसाज सबकी एक होती है, टेक्निक सबकी एक होती है, काफी लोगों की अलग अलग हो सकती हैं लेकिन चीज तो वही होती है। काफी लोगों को मसाज पसंद आती है, काफी लोगों को मसाज पसंद नहीं आती है। वो इसी वजह से होता है कि आपको मसाज करा कब रहे हैं, क्योंकि यही होता है कि भूख ना लगने पर खाना खाने, अगर आप भूख नहीं लग रही है, अगर आप उस टाइम खाना खाते हैं तो आपको खाने में इतना मजा नहीं आता। तो मैं ये बता रहा था, जब भी आपको भूख लग रही है तब आप खाना खाते हैं तो आपको एक खाने में आनंद आता है, उसी प्रकार एक मसाज थेरेपी भी यही है। जब भी आपको मसाज जरूरत हो तभी मसाज कराएं, क्योंकि काफी लोगों को क्या होता है कि बार बार मसाज कराने से आपकी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो चुकी होती हैं, वो एक उनका एक लेवल होता है, उसके बाद वो ज्यादा रिलैक्स नहीं हो सकती, और उसके बाद फिर आप बोलते हैं कि हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला, कोई मजा ही नहीं आया। तो इसलिए ध्यान रखें कि सबसे बेस्ट मसाज कराने का जो टाइमिंग है वो आप सप्ते में एक बार मसाज करा सकते हैं। अगर आप सप्ते में कहीं आपने कोई भारी भरकम का काम किया है, कोई मेहनत का काम किया है, तब भी आप वो बीच में एक बार ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो टाइम है वो सप्ते में एक बार है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए, सप्ते में अगर आप एक बार मसाज लेते हैं तो आपको मसाज जरूर पसंद आएगी। और दूसरा जो है मैं वो था कि मसाज थेरेपिस्ट आप बार बार चेंज ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप बार बार मसाज थेरेपिस्ट को चेंज करते हैं, कई बार क्या होता है कि काफी लोग अलग अलग मसाज थेरेपिस्ट के पास काम कराते हैं। ये भी मसाज थेरेपिस्ट भी एक डॉक्टर की तरह होते हैं, अगर आप बार बार डॉक्टर चेंज करेंगे तो वो आपकी बॉडी पे ही असर डालेंगे। इसी प्रकार अगर मैंने किसी की मसाज की है तो मेरे को याद रहता है कि मैंने इनको पिछली बार जो सर्विस दी थी वो किस वजह से दी थी मैंने, और इनको कहाँ पे पेन था, क्योंकि मेरे को उसको बेहतर पता था कि इनको कहाँ पे पेन था और इनको कितना प्रेशर चाहिए होता है, वो मेरे को पता लग जाता है। इसलिए बार बार मसाज थेरेपिस्ट चेंज ना करें तो बेहतर रहेगा। अगर आप पॉसिबल नहीं है तो आप जब भी मसाज थेरेपी चेंज कर रहे हो तो उसके अपनी प्रॉब्लम, अपनी फ्रैक्चर्स के बारे में, अपनी इंजरी के बारे में उसको जरूर बता दें, क्योंकि बाद में ये होता है आपको इंजरी हो रही होती है और नए मसाज थेरेपिस्ट को पता नहीं होता और वो वहाँ पे मसाज करने से आपको नुकसान हो सकता है। तो आज के लिए मैं यही बताना चाहता हूँ, और इसके तेल के बारे में एक नए वीडियो में और बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, अगर और भी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।